मेरा नाम नूर मोहम्मद, ब्लॉक पुनाना, गांव मुबारकपुर रावल की से रहने वाला हूँ मैं। और जब से ये रेडियो चैनल चालू हुआ है अल्फा जिम्मेवाद, तो मैं ज़्यादा करके कृषि संबंधी बातें सुनता रहता हूँ। तो इनसे मैंने कुल मिला के इतना फ़ायदा उठाया है जी, जो ये तरीका आप बताए इन खेती बाड़ी का कृषि संबंध, तो ढेंचा है मतलब ये कि तीन तीन चार चार फुट पाँच फुट तक करके उसको ट्रैक्टर से जुतवा दो, और शायद मेरे ख्याल से 3 साल थोड़ी अच्छी पैदा होगी उससे, और उसमें यूरिया की भी ज़रूरत कम पड़ेगी और DAP की भी कम पड़ेगी, और इनके सहयोग से मैं फसल भी बहुत अच्छी ले रहा हूँ। और फिर एक और तरीका बताया, जो ये गोबर खाद रहती है, इसको मैं सभी किसान भाइयों से यही गुजारिश करूँ कि गड्ढा खोद के आप खाद डालो, तो वो ज़्यादा मतलब उसमें ताकत होगी खेत उस गोबर खाद में, और पैदावार भी अच्छी मिलेगी, और पैदावार इतनी अच्छी मिलेगी कि आप शायद 2-3 साल बाद ही यूरिया को भूल ही जाओगे। और मैं इसको कम से कम ना तो 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरीका को, और आज मैं ज़्यादा नहीं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं 1 कट्टा भी मतलब पूरे खेत में यूरिया 1 साल में ना डाल सकूँ, मतलब 1 सीजन में। और इससे फ़ायदा इतना हुआ है जो अपनी सेहत के लिए फ़ायदा, मिट्टी के लिए भी फ़ायदा, और मैं तो किसानों भाइयों से यही कहना चाहूँ कि इससे ज़मीन की भी सेहत सही रहे, आदमी की भी सेहत सही रहे, और अपने सब खाने वालों की भी उससे सेहत सही रहे। तो इसी बात को लेकर मैं यहाँ इस बात को सब से भाई को अपनाना चाह कहता हूँ कि इसे सब अपनाओ इस तरीके को, क्योंकि ये जैविक खाद, जो ये जैविक खाद से एक तो कुदरती ताकत मतलब रहती है, कोई गेहूँ हुई चाहे ज्वार हुई चाहे कुछ भी हुई, तो मैं इनकम भी मतलब ये कि यूरिया DAP से ज़्यादा इनकम हो जाए खेत में, और वो पैदावार रहती है, वो मतलब उससे भी तंदुरुस्त रहे आदमी जी। ये इनका प्रोग्राम चलता रहता है जिसको हम बराबर से सुनते रहते हैं, और जो भी ये कमी आवे है जैसे वो हम इनकी बात सुनते हैं और उस तरीका को अपनावे हैं, और इनका तरीका बहुत ठीक बैठ रहा है, और हम अपनी समझ से तो, और सभी भाइयों से यही कहना चाहो कि भाई ये अल्फाज में बात कंटेक्ट करो, और मतलब अपना फ़ायदा उठाओ, और जो यूरिया है जो रसायन खाद है इसे मतलब कम करो इसे।